हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत स्पाइसी तरीके से हमने मिक्स सब्ज़ी तैयार की है। किस तरह तैयार की है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया कीजिए और बेल को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए। तो चलिए आइए मिक्स सब्ज़ी तैयार करते हैं जो कि बहुत ही स्पाइसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से हंसते मुस्कुराते हुए खुश खुर्रम होंगे। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और ये सर्दियों में बनती है। वैसे तो आप गर्मियों की सब्ज़ियों को भी मिक्स करके बना लें, लेकिन जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं, सीजनल सब्ज़ियाँ हैं, वही सर्दियों की सब्ज़ियाँ मिक्स करके अगर बनाई जाए तो बहुत ही अच्छी सालन जो है वो तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फूल गोभी का था वो मैंने काट लिया, तकरीबन पाव डेढ़ पाव गोभी है ये, वो मैंने काट ली है। देखें इस तरह काटी है मैंने इस साइज़ में। और तकरीबन एक पाव गाजर है वो भी मैंने पतली पतली इस स्लाइसेस में काट ली है, आप चाहें तो इससे भी छोटी काट सकते हैं। और एक पाव आलू है जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक पाव मटर है मेरे पास। वैसे तो इसमें फ्रेश मेथी भी डाली जाती है, एक गड्ढी आप फ्रेश मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश मेथी नहीं डाल रही हूँ, मैं सूखी मेथी डालूंगी। और इन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 4 खाने के चम्मच घी, और एक बात और ये देखें, लकड़ी का चम्मच, मैंने लकड़ी का चम्मच लिया है। मेरी एक व्यूवर है, उनके कहने पर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, वो जो दूसरे चम्मच होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये जो इसका जो निकल है वो स्टील या सिल्वर में आप जब चम्मच चलाते हैं तो छोटे छोटे ज़र्रे जो हैं वो टूटकर सालन में मिक्स हो जाते हैं, तो जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो मैंने उनकी बात को नोट किया और देखिए मैं लकड़ी का चम्मच मैंने ख़रीदा है। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल एक छोटी साइज़ की प्याज है, वो मैं इस घी में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, प्याज आपने बिल्कुल छोटी लेनी है। तो इसको हम हल्का सा ब्राउन करते हैं। जब तक प्याज होती है ब्राउन तो मैं आपको मसाले बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा हो बाद में भी डाला जा सकता है। तो 1/2 चाय की चम्मच हल्दी ले ली है, 1 चुटकी ली है कलौंजी, और 1 चाय का चम्मच जीरा लिया है मैंने, उसको दड़दड़ा कर लिया है पीस करना। और 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, उसको भी मैंने दड़दड़ा कर लिया है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने अदरक मिर्च ली है, और मैं इसमें खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्याज ने रंगत बदल ली है, हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्की सी सुनहरी करनी है। तो यहाँ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और उसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको चला लेंगे 1 से 2 मिनट। जी मैंने 2 मिनट तकरीबन लहसुन अदरक के पेस्ट को भी चला लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच दही शामिल करूंगी, आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने दही शामिल कर दी है तकरीबन 4 खाने के चम्मच, आप यहाँ पर टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम सब्जियां जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें ये सब्जियां शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा चलाया है, इसको मिक्स किया है घी में, और अब मैं यहाँ पर तमाम स्पाइसेस जो है वो शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकती हैं, जितना आपने स्पाइसी रखना है उतना आप रख सकते हैं। और अब मैं इसको भून लूँगी हल्का हल्का सा, साथ साथ मैं मसाले को भून भी रही हूँ, सब्जियाँ भी गल जाएंगी और मसाला भी भूनता रहेगा। और पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा जी, काफ़ी भून लिया है इसको मैंने, काफ़ी 5-6 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये देखिए ये सब्ज़ी जो है वो पक के नीचे भी हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मिक्स करूँगी। को मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको ढक दूंगी और आंच को बिल्कुल धीमा कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं इसको देखती हूँ कि सब्ज़ी गल गई है कि नहीं। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह गल गई हैं। और अब मैं यहाँ पर 1/2 चाय की चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला छिड़क रही हूँ,
और इसको 5 मिनट मजीद दम पर रख दूंगी। और एक बात और बताऊं कि मैंने इसका नमक चेक किया था, मुझे कम लगा, मैंने आधी चाय की चम्मच मजीद नमक इसमें शामिल किया है। ये मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया है कटा हुआ मेरे पास थोड़ा सा, और 2-3 हरी मिर्चें थी जिसको एक और थोड़ी सी मैंने काट ली है, और बाकी मैंने इसी तरह साबुत रहने दी है। 5 मिनट गुजर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन हमारा तैयार हो रहा है मिक्स सब्ज़ी का। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने इसमें छिड़क दी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको दोबारा से बंद कर देना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और बस हमारा सालन रेडी है। 2 मिनट के बाद मैं आपको आउट करके डिश में इसको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी मिक्स सब्ज़ी जो है वो तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खड़ी खड़ी हैं सारी सब्ज़ियाँ और गली हुई भी हैं, और बहुत स्पाइसी किस्म की तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। कमेंट बॉक्स में राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।